इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने सौर मिशन पर भेजे गए आदित्य L1 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। आदित्य L1 ने धरती की ऑर्बिट में दूसरी छलांग लगाई है। मंगलवार को इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि आदित्य L1 ने दूसरी बार अपनी कक्षा सफलतापूर्वक बदल ली है। अब स्पेसक्राफ्ट 282 किलोमीटर इंटू 40,225 किलोमीटर के ऑर्बिट में है। आदित्य L1 18 सितंबर तक धरती के चारों ओर चार बार अपनी ऑर्बिट बदलेगा। धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदल रही है जिससे उसे इतनी रफ्तार मिल सके कि वो 15 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरा कर सके। इस यात्रा के बाद आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा जो उसकी मंजिल है। रविवार को इसने अपनी पहली छलांग लगाई थी। आदित्य L1 अब 245 इंटू 22,559 किलोमीटर की कक्षा से निकलकर 282 किलोमीटर इंटू 40,225 किलोमीटर में पहुंच चुका है। आदित्य L1 की ये दूसरी बड़ी सफलता है और उसने सूरज की ओर कदम को आगे बढ़ा लिया है। इसी के साथ इसरो ने पहली बार संपर्क के लिए एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया। इसरो के पास सैटेलाइट से संपर्क के लिए दो बैंड हैं। पहला एस बैंड जो 2 से 2.5 गीगाबाइट फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। दूसरा एक्स बैंड जो 8 से 8.5 गीगाबाइट पर काम करता है। एक्स बैंड पृथ्वी के बाहर के कम्युनिकेशन के लिए सटीक बैंड है। इस सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेशन करना आसान होता है। इसरो नए मिशन के लिए एक्स बैंड तकनीकी की टेस्टिंग कर रहा है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित तीसरी प्रक्रिया 10 सितंबर 2023 को भारतीय समय अनुसार देर रात लगभग 2:30 बजे निर्धारित है। आदित्य L1 पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित पहले सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु में रहकर सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगी। सूर्य मिशन की प्रक्रिया के मुताबिक आदित्य L1 को 16 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। इसके बाद वो सूर्य की ओर अपने मार्ग पर बढ़ जाएगा। बता दें कि 2 सितंबर को इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया था। 3 दिनों में तीसरी बार इसके ऑर्बिट में ये बदलाव किया गया है। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सौर मिशन बेहतर ढंग से अपनी यात्रा कर रहा है। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक आदित्य L1 मिशन को 5 साल के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर ये सही सलामत रहा तो ये 10 से 15 साल तक काम कर सकता है, सूरज से रिलेटेड डेटा भेज सकता है, लेकिन इसके लिए उसे L1 पॉइंट पर पहुंचना जरूरी है, साथ ही सुरक्षित रहना भी। आदित्य L1 मिशन पर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की नजरें टिकी हुई हैं।